हेलो, मेरा नाम महेश और आप देख रहे हैं गीक माही। और आज आपसे मैं बात करने वाला हूँ व्हाट्सएप के ऐसे कुछ कमाल के टिप्स और ट्रिक्स और हैक्स के बारे में, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने व्हाट्सएप को और एनहैंस कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको कुछ ऐसे कमाल के फीचर्स बताऊंगा व्हाट्सएप के, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने व्हाट्सएप को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहली ट्रिक है वो है यहाँ पर स्वाइप फॉन्ट की। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर सबसे पहली ट्रिक के बारे में बताऊँ, जो सबसे कमाल का इसका ट्रिक है वो है यहाँ पर, आपको यहाँ पर गैलरी के ऑप्शन में सिंपल चले जाना है। कोई भी एक फ़ोटो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैं अपना ही एक फ़ोटो ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपको यहाँ पर चार डॉट दिखाई दे रहे होंगे, तो यहाँ पर इमोजी वाले ऑप्शन में आप चले जाएंगे। आप यहां से इमोजी को कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, छोटा बड़ा करके। आप यहां पे कलर देख रहे होंगे, तो इस कलर को आप इस इमोजी के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही कूल फीचर है इसका। और इसके साथ कुछ और भी अच्छे फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि ये हो गया यहाँ पर कुछ, अगर आपको दर्शाना हुआ कि कोई टेक्स्ट वगैरह, तो यहाँ से इसको आप इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, ऊपर नीचे कहीं भी कर सकते हैं। तो ट्विस्ट यहाँ से ये है कि इसके बाद क्या है, इसके बाद सबसे कमाल का फीचर है यहाँ पर, कोई भी टेक्स्ट आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ हेलो, फिर उसके बाद आप यहाँ पर उसको ड्रॉप कर दीजिए अपने हिसाब से। फिर यहाँ पर देखिए ट्विस्ट क्या है, यहाँ से आप क्लिक जैसे ही करते जाएंगे, इसका फॉन्ट ऑटोमेटिकली चेंज होता चला जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे ही मैं स्वाइप कर रहा हूँ, इसका फॉन्ट ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। तो ये एक बहुत ही कूल फीचर है, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी तरह आप किसी जिफ में भी इसको सेट कर सकते हैं, जैसे ये नासा वाले भाई साहब कुछ सब्सक्राइब करने के लिए कह रहे हैं, तो मैं यहाँ पर अपना ऐड कर देता हूँ गीक माही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पर आप इसको सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, मैंने यहाँ पर कलर को चेंज कर दिया। और ये देखिए फॉन्ट को, आप यहाँ से भी फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ट्रिक हर जगह काम आती है, तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। ये नासा वाले भाई साहब भी वही कह रहे हैं। तो बढ़ते हैं अपने दूसरी ट्रिक की तरफ। तो यहाँ पर जो दूसरी ट्रिक है वो है यहाँ पर लाइन थिकनेस की। तो यहाँ पर अब मैं एक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेता हूँ जो कि प्लेन होगा। आप कोई भी बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हैं, इवन आपका अगर फ़ोटो भी हो तब भी चल जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली क्लिक करने के बाद आपको दिखेगा कि ये देखिए, ये यहाँ पर लाइन मोटी हो रही है। आप जितना बढ़ाते जाएंगे ये उतना मोटा होता जाएगा, जैसे ये देखिए। अब जैसे ही मैं इसे छोड़, ये देखिए छोटा छोटा हो गया है। तो ये काफ़ी कूल सा फीचर है, आप कहीं भी इसको अपने, इवन अपने फ़ोटो के ऊपर भी आप इसको सेट कर सकते हैं, जो कि मुझे इसका काफ़ी कूल सा फीचर लगा है। आप यहाँ से डायरेक्टली इसको शेयर कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको फ़ोटो करके दिखाता हूँ एक, मैंने अपना ही फ़ोटो ले लिया है। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से अपनी ड्राइंग को बना सकते हैं, वैसे मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, आई एम सॉरी। तो आप अपनी ड्राइंग बनाएंगे काफ़ी अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर जो तीसरी ट्रिक है वो यहाँ पर है मीम स्टिकर्स की। यहाँ पे अगली जो ट्रिक है वहाँ ये है व्हाट्सएप मीम स्टिकर्स को लेकर। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको स्टिकर्स तो काफ़ी सारे मिल ही जाते हैं, लेकिन कुछ स्टिकर्स ऐसे हैं जो आपके अपने पसंद के हैं लेकिन आपको यहाँ पर नहीं मिलते। तो सिंपली आपको गेट मोर स्टिकर्स पर चले जाना है और अपने पसंद के स्टिकर्स को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मेरे पसंद का स्टिकर यहाँ पर ये है, तो आप यहाँ पर इसको इंस्टॉल कर लेंगे। तो इंस्टॉल करने के बाद ये सीधा आपके व्हाट्सएप में ऐड हो जाएगा। मैं इसको डाउनलोड करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए ओपन हो गया है। और यहाँ से आप कोई भी सेलेक्ट करके सीधा अपने व्हाट्सएप में ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इसको सेलेक्ट किया ऐड टू व्हाट्सएप, और ये हो गया
एज, तो यहाँ पर आएंगे, ये देखिए दोस्तों जो वहाँ पर मैंने डाउनलोड किया था वही सेम चीज़ यहाँ पर आ चुकी है। सिंपली ये हर स्टिकर की तरह वही, मतलब कोई भी यहाँ पर चेंज नहीं है, कोई भी बैकग्राउंड वगैरह आपको कुछ डिस्टॉर्शन देखने को नहीं मिलता है। सिंपली आप यहाँ से भी कोई भी स्टिकर को सेलेक्ट करके भेज सकते हैं, जो कि मुझे काफ़ी कूल लगा है इसका फीचर। तो यहाँ पर जो चौथी ट्रिक है वो है यहाँ पर वॉइस रिकॉर्डिंग से रिलेटेड। जो ट्रिक है ये है वॉइस रिकॉर्डिंग से रिलेटेड यहाँ पर, तो आपको ये ऑप्शन देता है कि या आप मतलब अगर इसे लॉक कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके मतलब वॉइस को रिकॉर्ड करता रहेगा, और अब जब आप इसे कैंसिल करना चाहें तो इसे कैंसिल कर देंगे, ये आपके सारे रिकॉर्डिंग को डिलीट कर देगा। अदरवाइज़ आप इसे जितना भी रिकॉर्ड हुआ है सेंड भी कर सकते हैं, और जैसे कि मैं यहाँ पर सेंड कर चुका हूँ, तो ये कमाल का फीचर है। और यहाँ से अगर आपको आपने कोई चीज़ ऐसी रिकॉर्ड कर ली है जो आप सेंड नहीं करना चाहते तो सिंपली आपको कैंसिल कर देना है और ये वहाँ पर सेंड नहीं होगा आपके दोस्त के पास, तो ये एक काफ़ी कूल सा फीचर है इसका। तो यहाँ पर जो पांचवी ट्रिक है वो है यहाँ पर प्राइवेट स्टेटस से रिलेटेड। तो नेक्स्ट जो ट्रिक है यहाँ पर वो है स्टेटस प्राइवेसी को लेकर। आप चाहे तो अगर आप नहीं चाहते कि जो भी आपके कांटेक्ट में है वो सारे आपके स्टेटस को देखें, तो आप के पास एक ट्रिक है कि आप जिसको सेलेक्ट करेंगे या हो सकता है वो उस स्टेटस को देख सके, या आप उस जिसे आप अपने स्टेटस को छुपाना चाहते हो वो भी ट्रिक यहाँ पर मिल जाएगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ, आपको यहाँ पर थ्री डॉट पर जाना होगा, स्टेटस प्राइवेसी में जाकर आप अगर माय कॉन्टैक्ट में सेलेक्ट करेंगे तो जो भी आपके कॉन्टैक्ट में सेव रहेंगे वो ही सिर्फ आपका स्टेटस देख पाएंगे, और माय कॉन्टैक्ट एक्सपेक्ट इसमें ये होगा कि अगर आप जिस को सेलेक्ट करेंगे वो आपका स्टेटस नहीं देख पाएगा, उनको छोड़कर बाकी सभी आपका स्टेटस देख पाएंगे। और नीचे की साइड आपको दिखेगा ओनली शेयर विथ, मतलब इसमें ये रहेगा कि आप जिनको जिनको सेलेक्ट किए रहेंगे बस वही आपका स्टेटस देख पाएंगे, अदरवाइज दूसरा कोई भी आपका स्टेटस नहीं देख पाएगा। तो यहाँ पर जो सिक्स ट्रिक्स है वो है रीड रिसिप्ट से रिलेटेड। नेक्स्ट जो ट्रिक है यहाँ पर वो है रीड रिसिप्ट। रीड रिसिप्ट में क्या होता है कि अगर आपने कोई भी मैसेज भेजा तो उनके पास अगर जो मैसेज डिलीवर्ड हो जाता है, अगर उन्होंने वो मैसेज देख लिया है तो यहाँ पर डबल ब्लू टिक हो जाता है। इससे ये पता चलता है कि उन्होंने आपके मैसेज को देख लिया है। अगर वो भी आपको मैसेज करते हैं तो उनके पास भी ब्लू टिक हो जाता है, कि ये पता चलता है कि उन्होंने भी आपके मैसेज को देख लिया है। तो मैं जो ट्रिक बताने जा रहा हूँ इसकी मदद से आप ये कर पाएंगे कि ना वो जान पाएंगे कि आपने उनके मैसेज को रीड किया, ना ही आप जान पाएंगे कि क्या आपने उनके मैसेज को रीड किया। तो इस फीचर का इस्तेमाल करने के लिए आपको सिंपली जाना होगा यहाँ पर सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना होगा प्राइवेसी में। प्राइवेसी में जाने के बाद आपको यहाँ पर रीड रिसिप्ट, अगर आप इसको बंद कर देंगे तो मैंने जो आपको बताया कि ना आप उनके वो जान पाएंगे कि उन्होंने आपके मैसेज को पढ़ा, ना ही वो जान पाएंगे कि आपने उनके मैसेज को पढ़ा। तो यहाँ पर जो सेवन्थ ट्रिक्स है वो है यहाँ पर स्वाइप राइट से रिलेटेड। नेक्स्ट जो ट्रिक है यहाँ पर वो है स्वाइप राइट। आई गेस आप में से काफ़ी लोग इस फीचर का इस्तेमाल करते होंगे, या आप में से काफ़ी लोग जानते भी होंगे। तो स्वाइप राइट फीचर क्या है, अगर आप किसी ग्रुप में बात कर रहे हो और आपके कई सारे फ्रेंड्स ने लगातार मैसेज कर दिया, और कोई भी इस एक स्पेसिफिक बात पे आपको उनको रिप्लाई देना है, तो जस्ट यहाँ पर जैसे मैंने इसको पकड़ लिया है, तो यहाँ पर आप स्वाइप राइट करेंगे और उसके कुछ भी मैसेज को डिलीट एडिट करके आप उनको भेज सकते हैं उसके बारे में। तो ये काफ़ी यूज़फुल फीचर है। जो एट्थ ट्रिक है वो है पर्सनल रिप्लाई से रिलेटेड। जो ट्रिक है यहाँ पर वो है पर्सनल रिप्लाई से रिलेटेड। इस ट्रिक का इस्तेमाल करके आप अगर किसी ग्रुप में बात कर रहे हो तो इससे क्या होता है कि अगर आपको आपके किसी दोस्त ने आपको मैसेज किया और उसे आप प्राइवेटली उसके मैसेज का रिप्लाई देना चाहते हो, तो सिंपली आपको यहाँ पर
जैसे कि इन्होंने मुझे मैसेज किया तो मैं सिर्फ इनके मैसेज का ही रिप्लाई देना चाहता हूँ, तो सिंपली मैं यहाँ पर सेलेक्ट करके फिर उसके बाद रिप्लाई प्राइवेटली पे जाकर मैं इनको मैसेज कर सकता हूँ। तो ये काफ़ी कूल सा फीचर है दोस्तों। तो यहाँ पर जो 9th ट्रिक है वो है लास्ट सीन से रिलेटेड। जो ट्रिक है यहाँ पर वो है लास्ट सीन से रिलेटेड। लास्ट सीन में क्या होता है कि अगर आप कभी भी ऑनलाइन आते हो तो आपके दोस्तों को पता चल जाता है कि आप पिछली बार कब ऑनलाइन हुए थे। तो इसको अगर आप हाइड करना चाहते हैं तो सिंपली आपको सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद आपको प्राइवेसी में जाकर यहाँ पर लास्ट सीन को सेलेक्ट करना होगा। अगर या आप यहाँ पर चाहते हैं कि कोई भी ना देखे तो आप नोबडी पर सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ माय कॉन्टैक्ट पे ये होता है कि जितने भी आपके कॉन्टैक्ट में सेव्ड हैं वो आपके सीन को आपके लास्ट सीन को देख सकते हैं कि कब आप लास्ट बार एक्टिव हुए थे। या आप एवरीवन पे भी सेलेक्ट कर सकते हैं, इससे ये होता है कि जिसने भी आपको अपने मोबाइल में जोड़ा होगा वो आपके लास्ट सीन को देख सकता है। तो यहाँ पर जो फाइनल और 10th ट्रिक है वो है वॉलपेपर से रिलेटेड। नेक्स्ट और लास्ट जो ट्रिक है यहाँ पर वो है इसके वॉलपेपर से रिलेटेड। एक्चुअली में वॉलपेपर में क्या होता है कि आप पीछे के जो भी बैकग्राउंड है उसको आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। आप में से काफ़ी लोग इसका यूज़ करते होंगे, तो मैं आपको जो नहीं यूज़ करते मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि वॉलपेपर में जाकर आप यहाँ पे वॉलपेपर के व्हाट्सएप के लाइब्रेरी को भी मतलब इसमें से भी कुछ सिलेक्ट कर सकते हैं, बट मैंने इसको डाउनलोड नहीं किया हुआ है। तो मैं ज़्यादातर यहाँ से गैलरी से ही फ़ोटो उठाता हूँ और यहीं से मैं कुछ सिलेक्ट करके जैसे कि मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे इसको सेट कर दिया। तो ये काफ़ी कूल सा फीचर लगा है मेरे को। आई होप दोस्तों व्हाट्सएप वाला ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर इस वीडियो पे 500 लाइक्स आ जाते हैं तो मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगा। वो उसमें आपको कुछ और अच्छे तरीके से मैं बताऊँगा कि व्हाट्सएप में और आप अच्छे अच्छे और क्या ट्रिक्स कर सकते हैं। तो उसके लिए आप इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।